सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, 36 नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई पार्टनर है फर्म के अंदर। एक्स को कहता है सैलरी मिलेगी कितनी, 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ तो साल की कितनी मिल जाएगी, 1,20,000, ठीक है। साथ में कहता है कमीशन मिलेगा, टुगेदर कमीशन, कमीशन देखना है बिफोर है या आफ्टर है। कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी काटने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कमीशन देखना है कमीशन काटने के बाद है या नहीं है। कहता है आफ्टर पार्टनर सैलरी कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो ये बिफोर चार्जिंग का केस है यहाँ पर। वाई को कहता है सैलरी मिलेगी कितनी मिलेगी, 25,000 पर एन, पूरे साल की 25,000 मिलेगी। कमीशन भी मिलेगा साथ में, कमीशन देखना है बिफोर है आफ्टर है। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे के सारे कमीशन काटने के बाद, एंड पार्टनर की जो सैलरी है वो भी काटने, तो ये आफ्टर का केस है। और जो पहले का केस था यहाँ पर क्या है, बिफोर का केस है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिखा है, बिफोर का केस है, ठीक है ना। एक्स के केस में बिफोर है और वाई के केस में आफ्टर है। लिखा नेट प्रॉफिट प्रोवाइडिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर है ये, किससे बिफोर है, सैलरी नहीं काटती है, ठीक बात है, सैलरी काटना हमारा काम है, कमीशन भी नहीं काटा है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। ये 31 मार्च 2016 कितना दिया हुआ है हमारे को, 4,20,000, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट, 4,20,000। तो सबसे पहले क्या दे दो, सैलरी, क्योंकि यहाँ भी सैलरी काटनी थी और यहाँ भी सैलरी काटनी है। टू क्या दे देंगे, सैलरी, सैलरी किसको देनी है, एक्स को भी देनी है और वाई को भी देनी है। तो क्या लिखेंगे, टू सैलरी किसको देनी है, एक्स को देनी है और वाई को देनी है। एक्स को कितनी देनी है, 1,20,000, और वाई को कितनी देनी है, ओनली 25,000, ठीक है। तो दोनों की कैलकुलेट करो तो 1,45,000 इनकी सैलरी बन जाती है। यहाँ क्या लिखेंगे, एक एक्स है और एक वाई है, एक एक्स है और एक कौन है, वाई पार्टनर। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन, कैपिटल दे रखी है उन्होंने, क्वेश्चन के अंदर कोई कैपिटल नहीं दिया तो खाली छोड़ देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, बाय सैलरी, सैलरी दे देंगे कितनी दे देंगे यहाँ पर, 1,20,000, और दूसरे कितनी चली जाएगी, 25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता था, सैलरी के बाद कमीशन की बात करता था। सबसे पहले कमीशन किसको देना है, बिफोर वाले को देना है। अगर हम बात करें किसकी, कमीशन की, कमीशन के केस में एक तो बिफोर का केस है और एक किसका केस है, आफ्टर केस है। अगर बिफोर की बात करें तो ये एक्स का केस है, अगर आफ्टर की बात करें तो ये वाई का केस है। और बिफोर वाला क्या कहता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, और यहाँ क्या कहता है, प्रिंसिपल इंटू रेट डिवाइड बाय रेट प्लस 100 इंटू टाइम। तो अगर हम किसके निकाल लें, एक्स के निकाल लें, तो हमारा प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था हमारा 4,20,000, जिसमें से क्या माइनस करनी है, पार्टनर की सैलरी माइनस करनी है, ठीक है, माइनस कर दो। तो हमारे पास कितना था, 4,20,000 का प्रॉफिट था, इसमें से माइनस कितना कर दिया, 1,45,000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 2,75,000, ठीक है ना। और इसके ऊपर कितना लगाना है, 10% लगाना है बिफोर वाले में, ठीक है ना, 10 डिवाइड बाई 100, टाइम वही बनी दे लो। तो यहाँ पर इसको काट दो, इससे इसको काट दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 27,500, ये क्या आ जाएगा आपका, कमीशन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू कमीशन किसको देना है, एक्स को देना है और वाई को देना है। एक्स कमीशन कितना आ गया, 27,500। अगर हम बात करें वाई की, अब वाई को कमीशन देना है, वाई क्या कहता था, कहता है मेरे को सैलरी दे दो, सैलरी दे दी हमने, कहता है कमीशन देना है 10%, वो भी कैसे, नेट प्रॉफिट पे, और वो भी कौन सा, चार्जिंग कर दो सारे के सारे कमीशन। तो एक तो प्रॉफिट हमारा ये था, प्रॉफिट कितना था, 4,20,000, इसमें से कहता है सैलरी काट दो, पहले सैलरी काट दी, कितना आ गया हमारे पास, 2,75,000। इसमें से भी कहता है माइनस क्या कर लो, जो क्या है, कमीशन है, किसका कमीशन है, सारे कमीशन, तो एक कमीशन तो हमें पता है, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 2,75,000 में से अगर हम एक्स का कमीशन माइनस करते हैं, कितना है, 27,500। तो हमारे पास कितना बचता है ये माइनस करने के बाद, तो हमारे पास बचता है 2,47,500। अब इसके ऊपर हमने कमीशन लगा देना है, ये
247,500 इंटू कितना लगाना है, 10% लगाना है, 10 डिवाइड बाय 110 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 प्लस 100 कितना हो जाता है, 110। टाइम वही रहने वाला है, तो यहाँ से ये कल कैंसिल करो तो हमारे पास कितना बचाइए, ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 22,500। तो इसका कमीशन कितना आ जाएगा हमारा, 22,500, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 27 प्लस 23 ये कितना हो जाएगा, 50,000 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कमीशन कितना लिखेंगे, 27,500 और 22,500, ठीक है, ये कमीशन डाल दिया। उसके बाद कुछ डालना है, नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक्स में और वाई में कितना प्रॉफिट बच गया हमारे पास, हमारे पास प्रॉफिट था 4,20,000, कितना था, 4,20,000, उसमें से कितना माइनस कर चुके हैं हम, 1,45,000 माइनस कर चुके हैं, ठीक है, उसमें से 50,000 अब माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास कितना बचेगा, 2,25,000 हमारे पास प्रॉफिट बचेगा। और 2,25,000 प्रॉफिट जो बांटना है वो कैसे बांटना है, यहाँ पर दे रखा है कहीं रेशो, देखते हैं कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल मान लेंगे यहाँ, तो 1:1 रेशो के अंदर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर आप 2 से इसको डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, आपका हर किसी पार्टनर को कितना दोगे आप, 1,12,500, 1,12,500, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 4,20,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 4,20,000, और ये क्या करोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अमाउंट आएगा कितना, 1,12,500, 1,12,500, और यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन करोगे, ठीक है, क्या कैरी डाउन करोगे, ये कितना था आपका, 25,000 प्लस क्या करोगे इसके अंदर, 22,500 प्लस क्या करोगे इसके अंदर, 112.5, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1,60,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1,60,000, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1,60,000। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो कितना आता है, 21 प्लस कितना करोगे आप, 27,500 प्लस कितना करोगे आप, 1,12,500, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 260,000, और ये भी कितना आ जाएगा, 260,000, ठीक है, 2,60,000, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। तो आपने ऐसे ट्रीट करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।